नेक्स्ट कॉलर नैनीताल से हैं, भूपेश जी स्वागत है आपका। हेलो नमस्कार। जी जी डॉक्टर साहब, मैं आदाब जी। आदाब साहब कैसे हैं जनाब? मैं ठीक हूँ सर। मैंने सर वो दवाई मंगाई थी, वो गौत खीरा आप मेरे भेजा था आपने सर। मैंने दर्द हुआ था, मेरे हाथों में दर्द था, घुटनों में दर्द था, कमर में दर्द था, तो आपने गौत खीरा भेजा था। उसके मैंने पहले बात उन्होंने बोला था हल्दी 75 ग्राम, अलसी 150 ग्राम, कलौजी 75 ग्राम और सुगंधा 150 ग्राम, ये भी लेकर के मिला गए। तो मैं इसके लिए कर रहा हूँ सर कि ये सब एक साथ मिला देना है या कैसे करना है? ठीक है जी। देखिए इसको आप अकेला भी ले सकते हैं, आधा आधा ग्राम या उससे कुछ कम सुबह शाम, और ये सब चीज़ें अगर मिलाएंगे तो ये और पावरफुल हो जाता है। तो ये सब चीज़ें पाउडर बनाकर मिला लीजिए, फिर एक एक कैप्सूल यानी एक एक ग्राम खाना है। पहले अगर गौंसिया खालिस खाना हो तो आधा आधा ग्राम, और ये दवाएं मिला के खानी हो तो एक एक ग्राम। गौंसिया आधा आधा ग्राम दो बार खाते हैं अगर अकेला खाना हो, और इन चीज़ों को मिलाएंगे तो ये चीज़ें, ये इसका एक एक ग्राम तीन बार भी खा सकते हैं। थोड़ा संयम रखना। देखिए ये नुस्खा फ़ायदा करता है जो लोग संयम रखते हैं, और 5 से 10 दिन मुझसे कुछ मत कहिए, और अगर और ज़्यादा सब्र वाले हैं तो 1 महीना कुछ मत कही। 1 महीने में एक रिजल्ट आता है आपके सामने। जो शिद्दत होती है मर्ज की, जो परेशान करके तड़पा के रख देती है, पहले वो ख़त्म होती है। वो ख़त्म हो गई तो आप उसको बर्दाश्त करने वाले हो जाते हैं, फिर आप बड़ा इलाज भी कर सकते हैं। और अगर आपको जल्दी भी फ़ायदा हो जाए तो ये नुस्खा ख़त्म होने तक खाइए, यानी 3-4 महीने ये चलेगा, और इसको पूरा ख़त्म करके आप चैन लें, आपको रोज़ थोड़ा सा फ़ायदा होगा, ऐसा मेरा अनुभव है।